हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको यहाँ पर बताएंगे कि ये मेरे पास जो है पोको का सेट है और इसमें जो है चार्जिंग जम्पर करने के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल होने वाली है। कम टाइम में ज़्यादा बातें यहाँ पर होगी, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अगर आपका चार्जिंग कनेक्टर डैमेज हो चुका है तो आप इसको कैसे जम्पर देकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कनेक्टर यहाँ पर चेंज किया है और आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो वोल्टेज चेक कर लेना है कि आपका वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, ये जो कनेक्टर आपने चेंज किया है इसका वोल्टेज प्लस पॉइंट का यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस साइड में थोड़ा ये ब्लर हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा क्लीन होल देते हैं ताकि क्लीन हो जाए और यहाँ पर आपको मैं सही से समझा सकूँ। ठीक है, आपको जम्पर जो देना है वो वहाँ से प्लस पॉइंट से लेकर जो कनेक्टर का प्लस पॉइंट है उसका यहाँ पर सप्लाई आता है इस साइड में। देखो ये जो छोटा सा कैपेसिटर लगा है यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप जम्पर दे सकते हो। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो आपको वहाँ से जम्पर लेकर आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाले पर इस पॉइंट पर आपको जम्पर दे देना है। तो आप जब इस पर जम्पर दे दोगे तो आपका ये कनेक्शन जो चार्जिंग का है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को